अपने सबसे बड़े फैन से मिलने का पवन सिंह को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्यन बाबू की, जिनका एक वीडियो कुछ दिनों पहले बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जहाँ वो अपने सीने पर पवन सिंह की एक टैटू बनवाते हैं, उनके चेहरे का टैटू बनवाते हैं, फिर साथ में हाथों पर उन्होंने पवन सिंह लिखवाया है। वो कहते हैं पवन सिंह उनके दिल की धड़कन है, इसलिए पवन सिंह की जगह भी सीने पर ही होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि पवन सिंह ने जब उनका ये वीडियो देखे तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए। साथ ही साथ पवन सिंह की जो पीआर एजेंसी है उनसे ये खबर मिली कि पवन सिंह ने उन्हें तुरंत एक काम दे दिया कि इस बंदे को ढूंढ के लाया जाए और उनसे ज़रूर मिलवाया जाए। वैसे पवन सिंह आज कल अपने घर आरा में है, ये सभी जानते हैं, और आज कल लोग उन्हें मिलने के लिए बकायदा चले जा रहे हैं। और पवन एक बहुत बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी लोगों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्हें बरसों से जानते हों, उनकी परेशानी पूछ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे में ही जब आर्यन बाबू का जब वीडियो उन्होंने देखा तो पवन सिंह ने ये कहा, एक छोटी सी सुई चुभ जाती है तो इतना दर्द होता है, इस बंदे को कितना दर्द हुआ होगा। साथ ही उनके पीआर एजेंसी ने ये भी बताया कि पवन ने उस वक्त ये ज़रूर कहा कि अगर इस बंदे को कुछ भी होता है तो इससे उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बंदे ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। और आर्यन बाबू की खबर लेने पहुंच गई पवन की पीआर एजेंसियां, और वहीं से आर्यन को कांटेक्ट किया गया, और फिर उसके बाद आर्यन सीधे मिलने पहुंचे पवन सिंह से आर्यन के, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जिस सुपरस्टार को अपने सपने में देखा करते थे, उस सुपरस्टार ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें बहुत प्रेज किया, बहुत बड़ाई की उनकी, साथ ही साथ उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसे पोस्ट भी किया। ये है पवन सिंह। इसलिए आजकल पवन सिंह के नाम के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।